नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज की इस खास पेशकश अंतिम सफर में आपके साथ मैं हूं पूजा। ब्रह्मकुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी पंचतत्व में विलीन हो गई। दिव्य दृष्टिदात्री देखते ही देखते स्थूल आंखों से ओझल हो गई। ब्रह्मकुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी दादी हृदय मोहिनी जी की सहयोगी रही बीके नीलू। महासचिव बीके निर्वैर समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुखाग्नि दी। देश के कोने कोने से आए सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी और देखते ही देखते दादी का भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्होंने अपने सभी नामों को सार्थक बनाया, स्वयं भगवान का चेहरा बनकर जिन्होंने हर एक जीवन को ईश्वरीय वर्षे से श्रृंगारा, जिन पर स्वयं परमात्मा भी मेहरबान थे, ऐसी परम श्रद्धे दादी जी ने 93 वर्ष की आयु में 11 मार्च को जब अंतिम सांस ली तो मानो पूरे ब्राह्मण परिवार की सांसें थम सी गईं, क्योंकि न जाने वाली हस्ती साधारण थी और न ही महाप्रयाण का दिन। वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के बाद स्वयं भगवान का वो रथ बनी, जिनके माध्यम से लाखों लोगों ने स्वयं भगवान से दिव्य मुलाकातें की, ईश्वरीय महावाक्य सुने तथा गति सदगति का मार्ग अपनाया। और वह दिन कोई आम दिन नहीं बल्कि महाशिव जयंती का दिन था, जो परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण की बात को सिद्ध करता है। लाखों को बाबा का अनुभव कराए। दादी बहुत सरल, निर्माण और निरंकारी और सदैव हमेशा वो रूप में ही रहती थी। इस शिवरात्रि के दिन ही दादी जी का अव्यक्त होना इस बात को और पुख्ता कर देता है कि सचमुच दादी जी में स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव की ही प्रवेशता होती थी। और इस दिन से बेहतर शायद कोई और दिन न होता जब दादी जी मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमात्मा शिव की गोद में समा जाएं। अपने हर दिव्य कर्म से परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली फरिश्ता स्वरूप दादी जी व्यक्त से अव्यक्त वतनवासी हो गई। देखा जाए तो यह दुख की घड़ी है, लेकिन अध्यात्म ऊंचाइयों को प्राप्त दादी की स्थिति में यह सटीक नहीं ठहरता। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। बाल्यकाल से ही उन्होंने इस महान यज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति दी है। उनके देहावसान पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शोक कर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसी विशाल हृदय वाली दादी जी, जिनमें सारे संसार का स्नेह समाया हो, जिन्होंने तपस्या के नए आयाम दिए हो, जो केवल अपनी रूहानी दृष्टि से ही हर एक के बोझ को हर लेती थीं, जो जितनी महान उतनी ही सरल और निर्मल थीं, अचल अडोल और परमात्मा पर संपूर्ण रूप से बलिहार जाने वाले थीं, ऐसे विश्व कल्याणकारी दादी जी के अंतिम दर्शन करने देश विदेश के सैकड़ों लोगों का जमावड़ा संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू के शांतिवन में लगा। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि सर्व का हृदय जीतने वाली दादी हृदय मोहिनी जी कहें या दादी माँ कहें, उनका हरेक से इतना गहरा आत्मीय नाता था जो सैकड़ों लोग इन हालातों में भी उनका अंतिम दर्शन करने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी लंबा सफर तय कर यहाँ आ पहुँचे थे। इसके अलावा भी पीस ऑफ माइंड चैनल, ओम शांति चैनल, जी न्यूज राजस्थान, ईटीवी राजस्थान और इंडिया न्यूज समेत अन्य चैनल्स के द्वारा सीधा प्रसारण भी दिखाया जा रहा था, जिसके जरिए लाखों लोगों ने श्रेष्ठ भावनाओं में अपने स्नेह सुमन अर्पित किए। Yeah.
मेरा सौभाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से मैं दाई की सेवा कर पाया। मेरे इतने दिव्य अनुभव हैं, जब भी हमने से कोई भी व्यक्तिगत रूप से भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन की परिस्थिति निर्माण हुई या किसी और तरह का पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हुआ, तो कभी उन्होंने बोल दिए, कभी इशारा करके और कभी अनुभव के द्वारा ही हमारा मार्गदर्शन किया और हमें कल्याणकारी रास्ता दिखाया। 13 मार्च को सुबह 10:30 बजे जब दादी जी के भौतिक शरीर को अग्नि को समर्पित किया गया तो एक दर्द सभी के चेहरे से साफ झलक रहा था। सभी अंतर मन से प्रेम व श्रद्धा के भावनाओं में डूबकर दादी जी को हृदय की गहराइयों से नमन कर रहे थे। इस मौके पर संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी ईशु, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशिका बीके जयंती, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, जनसंपर्क एवं सूचना अधिकारी बीके करुणा, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी समेत देश विदेश से आए संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी और संस्था से जुड़े लोगों ने मौजूद रहकर दादी जी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इसके साथ ही ये संकल्प भी किया कि दादी जी की शिक्षाओं को अपने अंदर सहेज कर उसे अपने व्यवहार और कर्मों में लाकर सभी के सामने दादी जी को प्रत्यक्ष रखेंगे। उस समय सबके दिल से यही आवाज आ रही थी कि हे दादी माँ, आपकी सुंदर पालना, दुलार, वात्सल्य का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ, आपकी हर प्रेरणाओं को सरमाथे कर अपने जीवन की आधारशिला जरूर बनाएंगे। परमात्मा की संदेश वाहक रही दादी गुलजार जी भले ही स्थूल रूप से हमारे साथ नहीं हैं, वे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ हैं, लेकिन उनकी यादें और शिक्षाएं सदा हमें मजबूत बनाती रहेंगी। दादी जी हमारे साथ है और साथ ही रहेगी, ऐसा हमको अनुभव करते रहना है, कर भी रहे हैं। उससे हमें निधि बहुत अच्छी बनी रहेगी। आप हमेशा कहा करते थे बस अभी अचानक का पाठ शुरू हो गया है, अब आना और जाना यही पक्का करो। बाबा बाबा करते बाप समान बनना है। ये शिक्षाओं को आपने साकार में मूर्तिमंत करके हम सभी को प्रैक्टिकल में बताया